दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिग बास्केट, आप उसमें अपने प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हैं, तो इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना, और आगे बढ़ने से पहले मैं बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि ऐसे वीडियो हमारे मिलते रहें। तो भैया बिग बास्केट की बात करें, बिग बास्केट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन संस्था है जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल एंड ग्रोसरी सप्लाई करता है। अब भाई उस पर हमको अपने प्रोडक्ट कैसे बेचना है, हम उस पर वेंडर कैसे बन सकते हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है भाई। तो देखो उसमें हमें वेंडर बनने के लिए सीधी सी बात है कि उनकी वेबसाइट पे जाओ, रजिस्ट्रेशन करो और वेंडर बन जाओ। लेकिन क्या प्रोसेस है, कैसे है, कहाँ से वेबसाइट मिलेगी, वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा आगे चल के। तो देखिए बिग बास्केट में आप अगर आप वेंडर बनना चाहते हैं, प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, या किसी आप एक प्रोडक्ट पर डील करना चाहते हैं, चाहे आप एक इम्पोर्टर हों, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर हों, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हों, आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं बिग बास्केट की वेबसाइट में। इसके बाद बिग बास्केट आपको अप्रूव करेगा, देन आप अपने प्रोडक्ट को उसमें बेच सकते हैं। बहुत अच्छी सी ट्रिक है। तो सिंपल दैट, आपको बिग बास्केट की वेबसाइट पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है। अब देखो बिग बास्केट अभी कहां-कहां पे चल रहा है, जैसे टायर वन सिटीज और टायर टू सिटी है अलग अलग। टायर वन सिटीज में जैसे बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, ऐसी बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज आती हैं, तो वहां पे तो चल ही रहा है। लेकिन अभी टायर टू सिटीज में भी कई जगह एक्सपैंड हुआ है, तो उनके भी लिस्ट में आगे आपको दिखा दूंगा, आप उनमें देख लेना, समझ जाना कि भाई आप उस सिटी में अवेलेबल हो कि नहीं, वहाँ पे बिग बास्केट अवेलेबल है कि नहीं, आप वहाँ पे बेच सकते हो कि नहीं, वो आगे देख लेना, सिटीज़ की लिस्ट में दिखा दूंगा। अब इसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ें लगेंगी, अब वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बिग बास्केट में प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड लगेगा, आपका अगर GST नंबर है तो वो तो लगेगा ही लगेगा, मैंडेटरी है, क्योंकि आप एक इम्पोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर मैन्युफैक्चरर कहलाते हो, तो आपको GST नंबर पक्का देना पड़ेगा। पैन कार्ड नंबर आपको लगेगा, है ना, इसके बाद टिन नंबर जो भी लगता है उसमें, तो वो भी देना पड़ेगा। तो आप अगर आपके पास GST है तो आप उस पर जाएँ, अप्लाई करें, उस पर सेल करें, क्योंकि GST बिना आप उस पर अप्लाई नहीं कर सकते, ना वेंडर बन सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो आपके लिए GST रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बेचें, चाहे फ्रूट्स बेचें, चाहे ग्रॉसरी बेचें, आपको GST लगेगा ही लगेगा। अब भाई बिग बास्केट तो आप जानते हैं भैया, एक ऐसा ऑनलाइन संस्था है जो सब्जियों पर ज़्यादा फोकस करता है, इसके बाद ग्रॉसरी। अभी लॉकडाउन जब हुआ था तो काफ़ी इन्होंने मेहनत की, काफ़ी काम किया भैया, ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पा रहे थे बिग बास्केट, तो धीरे धीरे करके उन्होंने अच्छा काम किया, और अभी वेंडर भी बनाना शुरू कर दिया था बीच में, वेंडर बना बना के, तो वही वेंडर आप भी बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे आप वेंडर बन सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक जो दी गई है उस पर क्लिक करें, और एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिलअप कीजिए, और आप अपना इन्फॉर्मेशन फिल करके उसमें प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। तो गाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करने पे ये फॉर्म आया, और आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है मैन्युअली, अगर नहीं मिल रहा है लिंक तो पार्टनर प्रोग्राम पे जाएंगे। जैसे ही आप बिग बास्केट पार्टनर प्रोग्राम पे, तो आपको एक फॉर्म खुलेगा और इस पर साइनअप करना है। साइनअप करने के लिए आपको यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफिकेशन करना है। जैसे ही आप ईमेल आईडी वेरीफिकेशन यहाँ पे एंटर करेंगे अपनी ईमेल आईडी, तो आपकी ईमेल आईडी पे एक लिंक जाएगी, उसमें क्लिक करके आपको एक अकाउंट बनाना है, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे आप सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे एक आपकी ईमेल आईडी पे एक मेल आएगा, जिस पे वेरिफिकेशन करना है आपके लिंक को, और वेरिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने का आएगा, तो अपना पासवर्ड बना लीजिए, और जैसे ही अपना पासवर्ड बनाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाना है अपने फॉर्म में। अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमको एक फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑप्शन आएगा, जो कि अभी आप देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, आप ये रीड कर लीजिए कैसे है। टायर वन टायर टू सिटीज़ दोनों लिखी हुई हैं, और इनको आप रीड कर लीजिए। इन सिटीज़ में अगर आप हैं तो आप कर सकते हैं, अपने वेंडर बन सकते हैं, और आप पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के और इसके बाद आगे बढ़ें, इसको आगे प्रोसेस करें। जैसे ही आप नीचे इसको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के आप इसमें चेकबॉक्स में क्लिक करते हैं और नेक्स्ट करेंगे, तो आगे इसमें आप बढ़ जाएंगे। अब इसमें आपको चेकबॉक्स में क्लिक करना है और एक्सेप्ट करना है। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप जो भी हैं, सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं या डीलर हैं, तो आप इसमें क्लिक कर लीजिए, आप जो भी हैं। देन इसके बाद आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, और पूरे फॉर्म को फिलअप करते जाना है। यहाँ पे आपको GST नंबर लगेगा, आपका नाम, आपकी सिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये फिलअप करके आप इस फॉर्म को आगे भरें और आप इसमें प्रोडक्ट अपने ऐड कर सकते हैं। GST नंबर अभी यहाँ पे है नहीं, तो मैं आगे और नहीं बता सकता हूँ। अब यहाँ पे आपको वेंडर
कि आगे देखिए यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन है, लेकिन अभी प्रोसेसिंग में जब तक आप बिग बास्केट अप्रूव नहीं करेगा तब तक आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो यही प्रोसेस करके आप अपने बिग बास्केट में प्रोडक्ट ऐड करके बेच सकते हैं, लेकिन अभी ये फॉर्म कंप्लीट नहीं है। फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा, टैक्स GST सब कुछ इसी में है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप बिग बास्केट के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं कि कैसे है इसमें और भी चीज़ें करनी है। बाकी यही चीज़ें हैं, यही प्रोसेस है जिससे आप वेंडर बन सकते हैं बिग बास्केट में, और अपने माल को, अपने प्रोडक्ट को थोक रेट में या फिर होलसेल रेट में, जैसे भी आप सेल करना चाहें, बिग बास्केट को भी बेच सकते हैं और कस्टमरों को भी बेच सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो दोस्तों आपने समझा, इस तरह से हम बिग बास्केट पे जुड़ सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, वेंडर बन सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जानकारी मिली हो, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी कुछ आपने सीखा समझा, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।